Hello student, this is Ranjita Singh and welcome to my class of English Main for class 4. Today I am going to explain you a poem from your November course, Grasshopper Green. So this is your main book, the English Channel book, and turn your book to page number 114, that is 114. Okay? So I just explain you what. Very good morning, bacha. Anjali, good morning. Harsh, very good morning. Grasshopper Green, as I told you yesterday, that is a very funny poem. It's about a grasshopper who was having fun on summer's day. गर्मियों के दिन में जब जो ग्रास ऊपर मस्ती करता है, जो अपने आप को बिजी रखता है फन करने में, ये उसके बारे में पोयम है. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी पोयम, आपको याद करने में भी आसानी होगी. यस राजकुमार, गुड मॉर्निंग. ठीक है. एंड दिस पोयम इज रिटन बाय एनोनिमस. एनोनिमस कई बार होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे पोएम्स में एनोनिमस लिखा होता है. ये कोई पोएट का नाम नहीं है, ये गुमनाम एक कोई भी ये होते हैं जो किसी टॉपिक पे आपको पोएम लिखते हैं. ठीक है. तो वो पोएम जब आपके कोर्स बुक में रहता है तो वो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हमको हमको सोर्स नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली किस पोएट ने लिखा है. लेकिन चूंकि वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और फनी होता है और बच्चों के लिए होता है, तो वो आपके कोर्स बुक में होता है. एनोनिमस का मतलब होता है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन इन ब्रैकेट दैट एनोनिमस मीन्स गुमनाम, जो सोर्स हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली किस राइटर ने या किस पोएट ने लिखा है. ओके. So in this poem, first of all, we have some words that comical, fair, best of fair, trousers, needles. So can you just tell me what is the mean? Okay, just the first word is grasshopper. The title of this poem is Grasshopper Green. So can you tell me in the meaning of grasshopper? Anyone? Anjali? Can you tell me the name of meaning of grasshopper? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ words familiar होते हैं, हम उनको English में ही use करते हैं, but उसका हिंदी meaning भी हमें आना चाहिए. Grasshopper आपने देखा है अपने घरों में भी, अगर आप garden वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं. तो क्या आपको पता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टिड्डा. ठीक है. Grasshopper को ओके अहमद, आई कॉल यू अहमद. तो ग्रासहॉपर मींस टिड्डा, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज कॉमिकल. कॉमिकल की इंग्लिश मीनिंग आपके इसमें फनी है, बट इसका यस टिड्डा. कॉमिकल की मीनिंग आपके बुक में फनी है. एक इसका मीनिंग अनोखा भी होता है, यूनिक. अनोखा मीन्स क्या होता है? यूनिक. फिर बेस्ट ऑफ फेयर. द बेस्ट ऑफ फेयर मीन्स अच्छा, सबसे अच्छा आहार या भोजन, बेस्ट फूड. वो कुछ भी ऐसे ही नहीं खा लेता, वो बेस्ट फूड खाता है. ठीक है. यस गुड मॉर्निंग बच्चे. Now the next is trousers. Trousers means आपको पता है पतलून, पैंट जो आप पहनते हैं. Like meadows. Meadow means open grass, open land, open field. जो एक flat land होता है, flat land means field, मैदान, जो कि घास का बना होता है. तो meadow means होता है घास का मैदान. Yes Seema, good morning बच्चा. The next is
क्वेंट क्वेंट मीन्स प्रिटी इन अ फनी वे. फनी वे मीन्स आपको एक अनोखा तरीके से प्रिटी है, खूबसूरत भी है और एक अद्भुत भी है. फनी वे का हरदम मतलब आपका मजाकिया नहीं होता. हाँ बट फनी का मतलब होता है इट मेक्स यू लाफ, समथिंग दैट मेक्स यू लाफ. ओके द नेक्स्ट इज हेज. हेज मीन्स होता है झाड़ीदार बार. अब झाड़ीदार बुश, बुशेज होते हैं ना जिसका हम लोग बाउंड्री बनाते हैं. आप कभी गार्डन वगैरह में गए होंगे तो दो हिस्सों को पार्टीशन करने के लिए बुशेज की एक रॉ लगाते हैं, उसको हेज बोलते हैं. ओके वेरी गुड मॉर्निंग खुशी, सीमा, एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग. ओके नाउ द नेक्स्ट इज फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स उड़ान. फ्लाइट मीन्स उड़ान लाइक एंड हॉपर्टी स्किपर्टी. जो इंसेक्ट है ग्रास ऊपर उसकी जो मूवमेंट है उसके बारे में लिखा गया है हॉपर्टी स्किपर्टी, उछलना कूदना इधर से उधर उड़ के जाना. वो जो अपनी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है कभी घास के मैदान में कहीं जाके बैठ जाता है उसके उस मूवमेंट के बारे में लिखा गया है हॉपर्टी एंड स्किपर्टी. ओके सो नाउ आई जस्ट रीसाइट द पोएम, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड देन आई एक्सप्लेन यू. ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ask me, but don't in between the poem. After that, when I recite the poem and explain the poem, if you have any problem, then ask me. Okay. Now, first of all, Grasshopper Green is a comical chap. He lives on the best of fare, bright little trousers, jacket and cap. These are his summer wear. Out in the meadow, he loves to go. Playing away in the sun. It's hopperty, skipperty, high and low. Summer's the time for fun. Grasshopper Green has a quaint little house. It's under the hedge so bright. Grandmother Spider, as still as a mouse, watches him through his flight. Gladly he is calling the children I know out in the beautiful sun. It's hopperty, skipperty, high and low. Summer's the time for fun. Okay? Now I just explain it. Grasshopper Green is a comical chap. Grasshopper Green jo hai, wo ek anokha, funny chap. Chap means low. Vyakti hai. He lives on the best of food. Aur wo kis pe rehta hai? Best food. Best of fare. बेस्ट फूड पे रहता है मतलब वो अच्छे सबसे अच्छा आहार या भोजन जो होता है वो उस पे रहता है. वो कुछ भी ऐसे नहीं खाता है, वो सबसे अच्छा भोजन खाता है. ब्राइट लिटिल ट्राउजर्स उसने पहना क्या है, अब उसकी जो अटायर है उसने क्या पहना है, तो उसने पहना है ब्राइट लिटिल ट्राउजर. ऑब्वियसली ग्रास ऊपर इतना बड़ा होता है तो उसके जो ट्राउजर्स होंगे पैंट होगी वो छोटा ही होगा, तो उसने जो पहनी है वह है ब्राइट लिटिल. उसका कलर क्या है, ब्राइट है, छोटा सा ट्राउजर पहना है, एक जैकेट पहना है और कैप डाला हुआ है उसने. दीज आर हिज समर वेयर, ये इसके समर वेयर है. गर्मियों के दिनों में ये ऐसे ही कपड़े या यही कपड़े पहनता है. आउट इन द मीडो, मीडो मीन्स मैंने बताया है घास का मैदान. ही लव्स टू गो, घास के मैदान जो खुला घास का मैदान होता है, बड़ा सा फील्ड होता है जिसमें घास ही घास लगी होती है, वो उसमें वहां जाना उसको बहुत पसंद है. ही लव्स टू गो प्लेइंग अवे इन द सन, उसमें खेलना उस मीडो में घास के मैदान में उछलना कूदना उसमें घूमना उसको बहुत पसंद है. इट्स हॉपर्टी स्किपर्टी हाई एंड लो, कभी वो ऊपर जाता है अभी नीचे आता है, फुदकते रहता है, अस्थिर नहीं रहता. समझे आप, अस्थिर मींस एक जगह टिक के नहीं बैठता, वो अस्थिर है, कभी इधर कूदेगा कभी उधर कूदेगा. आपने कभी ग्रास ऊपर अपने घरों में
बेटा अहमद यहां से, ओके आई विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ फ्लाइट इज उड़ान. हिंदी मीनिंग ऑफ फ्लाइट इज उड़ान. उड़ान जंप, तो एरोप्लेन फ्लाई करता है. नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो सकता बेटा आपके फोन के, जो फोन का जो नेटवर्क है मे बी उसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है आपके रिप्लाइज जो है वो लेट आ रहे हैं. तो इट्स हॉपर्टी, इसकी पार्टी हाई एंड लो, इसका उछलना कूदना, अस्थिर नहीं बैठना, ये जो कभी ऊंची उड़ान भरता है कभी नीचे आता है. समर्स द टाइम फॉर फन, गर्मियों का दिन क्या होता है, फन करने का, मजा करने का, मस्ती करने का टाइम होता है. ग्रास ऊपर ग्रीन हैज अ क्वेंट लिटिल हाउस. अब ग्रास ऊपर ग्रीन क्या, घर क्या है, क्वेंट है मतलब प्रिटी है, लेकिन इन अ फनी वे. आपको दिखेगा कि आपको देख के ना हंसी आएगी, इट मेक्स यू लाफ, बट फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो खूबसूरत भी है, कुछ अनोखे तरीके से बनाया हुआ है जो फनी भी है बट प्रिटी भी है. तो उसका जो हाउस है वो क्वेंट है, छोटा सा, ऑब्वियसली वो छोटा इंसेक्ट होता है. में भी हो सकता है बेटा, बट यहाँ का नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट है. मैंने आपके आईटी सर से पूछा है, उन्होंने बोला है कि नहीं यहाँ के नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ग्रास ऊपर ग्रीन का जो घर है वो छोटा सा है बट प्रीटी है, और ये फनी वे में भी है सजा हुआ. इट्स अंडर द हेज सो ब्राइट, ये हेज के पास है, हेज के नीचे है कहीं पे, और बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट है. राइट, ग्रैंड मदर स्पाइडर, कहीं दूर पे एक ग्रैंड मदर स्पाइडर. स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, आपको पता है, एंड ग्रैंड मदर मीन्स दादी. यहाँ पे ग्रैंड मदर स्पाइडर कहने का मतलब एक बूढ़ी मकड़ी. एज स्टिल एज अ माउस, आप कंपेयर जब करते हैं एज कोल्ड एज अ स्नो. गुड मॉर्निंग शायान. तो ग्रैंड मदर स्पाइडर जो है वो माउस की तरह, माउस मीन्स, माउस को आपने कभी देखा होगा, वो बहुत एकदम हिलता डुलता नहीं है. अगर उसको किसी को पकड़ना होता है या कहीं, पहले बिल्कुल जाता है और चुपके से वहां काफी देर तक चुपचाप बैठा रहता है, स्टिल रहता है. स्टिल मीन्स क्या, रुका हुआ रहता है. तो ग्रैंड मदर स्पाइडर है जो है वो एज लिटिल एज अ माउस की तरह एक बिल्कुल शांत और अस्थिर होके वॉचेज हिम थ्रू हिज फ्लाइट, उसको देख रही है और उसकी उड़ान देख रही है. उसकी उड़ान मीन्स उसका ऊपर घूमना. मीडो मीन्स घास का मैदान, इन हिंदी घास का मैदान, एंड इन इंग्लिश फ्लैट लैंड्स कवर्ड विथ ग्रास. इट्स इन योर बुक. रितु गॉट इट बेटा? ग्रैंड मदर स्पाइडर माउस की तरह स्थिर होके चुपचाप उसकी जो फ्लाइट है, उसकी जो उड़ान है, वो देख रही है कि ये जो बंदा है, ये जो ग्रास ऊपर है, ये कभी अस्थिर नहीं बैठता, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी यहाँ फुदकता है, कभी वहां उछल के जाता है. तो वो आराम से बैठ के ग्रैंड मदर स्पाइडर उसकी उड़ान देख रही है, हाँ ये कितना उछल कूद रहा है. ग्लैडली ही इज कॉलिंग द चिल्ड्रन आई नो. और शायद इतना खुश होके और इतना उछल कूद करके ग्रास ऊपर जो है शायद बच्चों को बुलाना चाहता है, आउट इन द ब्यूटीफुल सन. बच्चों को उस खूबसूरत सुबह में जो सन की रोशनी होती है बहुत अच्छा, जो और आप मीडो में घास के मैदान में बड़ा प्ले ग्राउंड, आप एक तरीके से मान लीजिए जहाँ पे बहुत सारी घास होती है वहां पे बच्चे जाके खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो शायद वो इतनी उछल कूद करके बच्चों को बाहर बुला रहा है ताकि वो भी आके मस्ती करे, खेले और उसके साथ एंजॉय करे.
इट्स हॉपर्टी स्किपर्टी, हाई एंड लो, इसका उछलना कूदना ऊपर और नीचे जाना देखे, समर्स द टाइम फॉर फन, समर गर्मियों का दिन क्या होता है, टाइम फॉर फन होता है, मस्ती करने का दिन होता है, बच्चे भी मस्ती करते हैं, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड जो है वो सब कोई फन लविंग पर्सन होता, आप भी फन लविंग हो, आपको भी मस्ती करना पसंद है, मैं भी फन लविंग हूँ, हमें भी मस्ती करना पसंद है। इस पोएम के थ्रू ये बताया गया है कि ग्रास ऊपर ग्रीन जो है कितना फनी, कितना अनोखा, बट इन अ प्रीटी वे, कितना अच्छा है जो खुद में उछल कूद करके इंजॉय करता है। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है। ओके रानी, बट आई कांट हेल्प इट बेटा, अगर नेट स्लो है या नेट नहीं चल रहा है तो, है ना, नेट स्लो होगा बेटा, आप एक बार ऑन ऑफ करके देख लो, कभी कभी होता है नेट स्लो, अगर होता है तो आप ऑफ कर लो, आपका जो डाटा कनेक्शन है उसको ऑफ कर लो, फिर ऑन कर लो तो शायद ठीक हो जाएगा आपका नेट। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड हैं जिसके मीनिंग है कॉमिकल, फनी, मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया है, अनोखा, मैं लिख देती हूँ उसको हिंदी मीनिंग में लिख देती हूँ, फर्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रास हूपर, इसका मतलब होता है टिड्डा। अब आप ये देखेंगे कि कैसे लिखा है मैंने टिड्डा, इसको बोलते हैं टॉहर सीकर, डोडो संजुक अनाकार। ठीक है, दिस इज द हिंदी स्पेलिंग ऑफ टिड्डा, अच्छे से लिखिएगा बच्चा। Now the second word is comical. And इसका मतलब अनोखा, यूनिक भी आप कह सकते हो, बट इन अ फनी वे, यूनिक एंड अनोखा इन अ फनी वे दैट मेक्स यू लाफ। According to your book, meadow का means आपका लिखा हुआ है flatlands covered with grass and Hindi meaning होता है घास का मैदान। ठीक है, अभिनव, okay Zohaib, good morning. Now the fourth is quaint. Pretty in a funny way, इसका भी मतलब अनोखा या अद्भुत कह सकते हैं। Now the next is flight, and इसका हिंदी मीनिंग होता है उड़ान। एक और वर्ड है हेज, ये आपकी बुक में इसका मीनिंग नहीं है बट मैं आपको बता रही हूं, झाड़ीदार,
bar, right? Best of fair का हिंदी मीनिंग होता है, नहीं लिखा मैंने, सबसे अच्छा आहार या भोजन। मैं लिख देती हूं बेटा, सबसे अच्छा आहार। ओके आपको दिख रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? जोहेब, साधवान, अंजलि, नोट इट डाउन बच्चा, वेरी गुड। हिंदी स्पेलिंग जो है बच्चों वो थोड़ा आप ध्यान से लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हिंदी में ऐसा तो इंग्लिश में भी, बट हिंदी में आपका हर्षीकार, दीर्घीकार या हर्षुकार, दुर्घुकार। वेरी गुड साधमान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर नहीं है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ही है। प्रॉपर्टी इसकी पार्टी tells us the how the grasshopper moves, talks and sings. Can you tell me the answer? Upperti skipperti jo hai wo hame grasshopper ka kya batati hai? It's talk about what? Moves, uski movement ke bare mein batati hai. Talks, kaise wo baat karta hai wo batati hai. Ya sing, wo kaise gana gaata hai. Yes Anjali, your answer is correct. Ye उसके मूव्स के बाद प्रॉपर्टी, उसकी मूवमेंट है किसकी? ग्रास ऊपर की, कैसे वो उड़ान भरता है, कैसे वो उछलता कूदता इधर से उधर एंजॉय कर रहा है खुद में ही। द ग्रास ऊपर लव्स टू प्ले, खेलना उसे पसंद है, ड्रेसअप करना, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, या स्लीप इन द सन, या सूरज की रोशनी में सोना पसंद है। यस अगेन ए इज द राइट आंसर। प्ले, उसे खेलना पसंद है। द ग्रासहॉपर लिव्स इन द मीडो, वो कहाँ रहता है? मीडो में रहता है, घास के मैदान में रहता है। ऑन टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों पे रहता है, या सी अंडर द हेज, या फिर वो झाड़ीदार बार हेज के नीचे उसका जो घर है वो बना हुआ है। तो आंसर इज सी, अंडर द हेज, झाड़ियों के नीचे उसका एक छोटा सा प्रिटी सा घर बना हुआ, खूबसूरत है लेकिन। यस आंसर इज सी। यस सादमान, योर आंसर इज करेक्ट बच्चा। ग्रैंडमदर स्पाइडर, अब ग्रैंडमदर स्पाइडर क्या कर रही? प्लेज विद द ग्रासहॉपर, वो भी ग्रासहॉपर के साथ खेल रही है। कॉल्स द ग्रासहॉपर्स चिल्ड्रन, ग्रासहॉपर के जो बच्चे हैं उसको बुला रही है। वॉचेस द ग्रासहॉपर फ्लाई, या वो आराम से स्थिर से बैठ के ग्रास ऊपर की फ्लाई देख रही है कि कैसे वो उड़ रहा है। यस अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 द आंसर इज सी। सो नाउ जस्ट मैच इट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ए। वर्ड मीनिंग मैं रब करके आपको लिख देती हूँ मेरे ख्याल से। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। For question number 2, again is the correct answer. For question number 3 and 4, the correct answer is C. Yes, Khushi, your answer is correct. For question number 1,
A is the right answer. The question number 2. Again, A is the right answer. For question number 3, the correct answer is C. And for question number 4, the correct answer is again C. So now AA, CC is your sequence. Now in question number B, these pictures tell the story of a playful grasshopper. यहाँ पे कुछ पिक्चर फोटोग्राफ्स है और पिक्चर स्टोरी आप लोग इंग्लिश ग्रामर में बनाते हैं करते हैं. एंड सम हार्ड वर्किंग एंट्स, यहाँ पे एक फनी प्लेफुल जो है वो ग्रास ऊपर है जो जिसको खेलना पसंद है. और यहाँ पे कुछ हार्ड वर्किंग मेहनती, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्किंग, मेहनती एंट्स की फोटोग्राफ है, चीटियों की फोटोग्राफ है. वर्क इन pairs to build a story, give your story a title. अब आपको एक story build करना है और उस story को एक title. बेटा हाँ, network problem हो सकता है बेटा, but यहाँ ठीक है. ठीक है, तो first picture में आप देख रहे हैं चीटियों की एक लंबी line लगी हुई है, grasshopper वहाँ पे मस्ती कर रहा है, फिर वो चीटी से बात करता है. ये summer day है क्योंकि sun जो है वो काफी sun is shining very brightly है. Now the third picture is snowfall हो रहा है, चींटियां अपने घर में हैं, ठीक है, और ग्रास ऊपर उनके घर में आता है और फिर ग्रास ऊपर लास्ट में कहता है आई हैव लर्नड माय लेसन, मैंने अपना सबक सीख लिया है. तो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये हमें बताती है कि हमें हमेशा मेहनत नहीं, हमें मेहनत भी करनी चाहिए, हमेशा मस्ती नहीं करनी चाहिए. ग्रास ऊपर इस स्टोरी में एक छोटा सा मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग इसको इंग्लिश में, ये आपका होमवर्क है, आप लोग लिखोगे अपने कॉपी में. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि एक ग्रास ऊपर होता है जो समर डेज में मस्ती करता होता है और वो एक चींटियों की लंबी लाइन देखता है कि वो जा रही है. चींटियां जो है वो फूड कलेक्ट कर रही होती है, समर डेज है, ब्राइट सनी मॉर्निंग है और डे है, तो वो चीटियां जो है वो फूड कलेक्ट करती होती है गर्मियों के दिनों में. तो ग्रास ऊपर उनको ऑफर करता है कि तुम लोग क्या बेकार का मेहनत कर रही हो, कितना अच्छा मौसम है, चलो हम लोग खेलते हैं. बट चीटियां कहती हैं कि नहीं, यू डू योर वर्क. चेक 11 भी नवंबर कोर्स है, नहीं मैंने कल बताया था 9 है. मैं अभी स्टोरी बता रही हूँ. किसने पूछा है? अहमद, अशरफ, जोहेब, लेसन 9 है बेटा. हॉर्नबिल फेस्टिवल नवंबर कोर्स नहीं, इनकाउंटर है नवंबर कोर्स. तो चीटियां मेहनत कर रही होती हैं गर्मियों के दिनों में और ग्रास ऊपर जो है वो मस्ती कर रहा होता है, वो उनको ऑफर भी करता है कि आओ हम तुम लोग भी मस्ती करो. लेकिन चीटियां अपना काम करती हैं कि नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे, तुमको मस्ती करना है करो. फिर जब सर्दियों का दिन आता है, स्नोफॉल होता है, तो चीटियां आराम से, क्योंकि उन्होंने फूड बचा के रखा हुआ था, कलेक्ट करके रखा था, तो चीटियां जो है वो आराम से अपने एंट हिल में रहती हैं. अपने चीटियों का जो घर होता है उसको एंट हिल बोलते हैं, अपने घर में रहती हैं. और ग्रास ऊपर ने गर्मियों के दिनों में कोई भी फूड इमरजेंसी के लिए कलेक्ट करके नहीं रखा था, तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो वो फिर सर्दियों में भूख से बेचैन होकर फिर चीटियों के पास जाता है. फिर चीटियां उसका वेलकम करती हैं, उनको उसको बताती हैं कि हमेशा मस्ती इसलिए नहीं करनी चाहिए, है ना, इमरजेंसी के लिए या इसके लिए मस्ती भी करो बट मेहनत भी करो और दोनों काम साथ में करो. अभी आप मस्ती कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो नहीं चलेगा, एग्जाम टाइम में सब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए मेहनत भी करनी चाहिए और मस्ती भी करनी चाहिए. ठीक है, ये आपकी स्टोरी है, तो ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे, 5 से 5 to 10 लाइंस में आएगा.
और हाँ मुझे बताओ आप में से किस किसने पोयम लर्न किया है, 8 लाइंस, 8 to 10 लाइंस कल आपका होमवर्क था। नो वन, तो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप लर्न कर लोगे पोयम 8 to 10 लाइंस पोयम ग्रास ऊपर ग्रीन, क्योंकि ये आपका नवंबर कोर्स है तो वो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। हाँ शादमान तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, ठीक है, लेकिन आप याद जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी में जैसा कि आप लोग बनाते आते हो वर्ड मीनिंग फोटोग्राफ, एक अच्छा सा प्यारा सा ग्रास ऊपर का फिगर और पोएम आप अपना लिख लोगे, ठीक है, कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके सो बाय फॉर नाउ, सी यू सून।